Husqvarna has finally launched the Swatpillin 401. Husqvarna के इंडिया में दो बाइक्स है, Swatpillin और Whitpillin, and this one is the Swatpillin 401. My name is Jay Kumar. Welcome to Motor World India. I will give you a detailed review about this bike, so please stay tuned. Talking about the design of this bike, इसका overall design आप देखते हो तो ये एक mixture of retro और modern है. ज़्यादा करके मुझे तो ये modern futuristic look के साथ ही दिख रहा है. ये जो इसका frame है, इसका frame आपको KTM Duke से लिया हुआ है Husqvarna ने. So that's about the design of this bike. Front profile की बात करें तो front profile में आपको एक circular shaped LED headlight मिलता है auto illumination के साथ. इसका जो आउटर रिंग है दैट एक्ट्स लाइक अ डे लाइट रनिंग एलईडी व्हिच गिव्स अ प्रीमियम लुक फॉर दिस Swatpillin. नीचे की बात करें तो जो फ्रंट सस्पेंशन है वो सस्पेंशन आपको WP से मिलता है, एडजस्टेबल सस्पेंशन है. और जो डिस्क ब्रेक्स है वो बाइब्रे से है. 320 mm के आपको डिस्क मिलते हैं और आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलता है. उसके अलावा टायर्स अगर आप देखते हो तो 17 इंचेस के आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं जो पिरेली से है. और इसका जो आप रिंग देख सकते हो वो स्पोक्स के साथ है. तो ओवरऑल इट गिव्स अ वेरी गुड लुक, प्रीमियम लुक आई वुड से. टॉकिंग अबाउट द हैंडल बार, आपको एक ऑफ रोड स्टाइल हैंडल बार मिलता है और आपको ये स्विचेस भी जो दिए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम फिनिश के साथ है. विल टॉक अबाउट द स्विचेस टू. टैंक की बात करें तो आपको एक 13.6 लीटर्स का टैंक मिलता है विच हैज़ बीन इंक्रीज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन. और आपको इधर बैग रखने के लिए भी आपको उन्होंने जगह दिया हुआ है. यहाँ पे आपको ग्राफिक्स अगर आप देखते हो तो इधर 401 लिखा है. तो दिस इज़ अबाउट द टैंक. नाउ लेट्स चेक आउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस बाइक, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 5 इंच का है, TFT डिस्प्ले के साथ आता है. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गियर पोजिशनिंग इंडिकेशन है, ऊपर ABS का इंडिकेशन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का भी इंडिकेशन है, आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो. बीच में अगर आप देखते हो तो आपको स्पीडोमीटर है डिजिटल वाला, उसके नीचे आपको इंजन RPM मिलता है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ओडोमीटर भी दिखाई देता है, बैटरी का वोल्टेज भी दिखता है. ये स्पीड भी है, एवरेज स्पीड, और Trip 1 Trip 2 भी दिखता है. एंड दिस इज़ दी रेंज. सो 220 km ये फिलहाल रेंज है. लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये फ्यूल इंडिकेशन है, ऊपर टाइम दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में आपको इंजन का टेम्परेचर भी दिखता है. सो यू कैन टॉगल थ्रू वेरियस ऑप्शंस ओवर हियर विद दिस टॉगल स्विच. इसमें आप राइड मोड भी चेंज कर सकते हो. फिलहाल इसमें एक ही राइड मोड है जो स्ट्रीट मोड है. यहाँ पे जो ABS का ऑप्शन है आप ABS से ABS ऑन ऑफ कर सकते हो. अगर आप सुपर मोटो मोड सेलेक्ट करते हो तो जो रियर ABS है वो डिसएंगेज होता है ऑटोमेटिकली. और अगर आप रोड मोड स्विच ऑन करते हो तो दोनों आगे और पीछे ABS एक्टिवेटेड है ये मोड पे. ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन है, आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है. उसके अलावा ईजी शिफ्ट, अगर आपको गियर चेंजिंग आसान करना है तो आप ये मोड ऑन कर सकते हो ईजी शिफ्टिंग का. इंटरफेस भी है, आप इंटरफेस भी चेंज कर सकते हो. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, आपको बेसिक्स मिलते हैं जैसे कि फ़ोन मैनेजमेंट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन. तो ये सब फीचर्स भी इसमें इंक्लूडेड है. सो दैट्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द Swatpillin 401. टॉकिंग अबाउट द सीट, इसका जो सीट है कंपेयर टू द प्रीवियस वेरियंट दैट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 20%. आपको सीट पे Husqvarna का लोगो भी मिलता है और ओवरऑल सीटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर द राइडर एज वेल एज द पिलियन. आपको पीछे ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं विच इज़ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये बाइक में एक ही वेरियंट है और एक ही कलर है. सो दैट्स अबाउट द सीट.
इसका जो हाइट है वो है 820 मिलीमीटर्स का. सो नाउ लेट्स चेक आउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस बाइक. रियर प्रोफाइल ऑफ दिस बाइक इज क्वाइट सिंपल. जो टेल लैम्प है वो LED सेटअप के साथ है, सेम इज विद द इंडिकेटर्स. मूविंग डाउन आपको एक 240 मिलीमीटर्स का डिस्क मिलता है एंड विच सिट्स ऑन अ 17 इंचेस. अगेन इट्स अ रेडियल ट्यूबलेस टायर. और इसका जो रियर सस्पेंशन है वो आपको WB से अपेक्स एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है. सो दैट्स अबाउट द रियर प्रोफाइल एज वेल एज द सस्पेंशन. नाउ लेट्स चेक आउट द इंजन ऑफ दिस बाइक. The Husqvarna 401, it's powered by a 393cc engine which churns out of 46 bhp and 39 newton meters of torque. इसका अगर आप डिज़ाइन देखते हो तो ये एक मॉडर्न लुकिंग कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, लाइट वेट है कम्पेयर टू द प्रीवियस वेरियंट. और सिंगल सिलेंडर ऑयल कोल्ड इंजन है, SOHC इंजन है ये. तो दिस इज़ द इंजन ऑफ दिस बाइक एंड विच हेल्प्स इन डिलीवरिंग सम मैसिव पावर वाइल राइडिंग. So now let's see how this bike rides on the road. But before we ride this bike, let's check out the exhaust note of this bike. The SWAT Pillin 401 is slightly better compared to the KTM Duke 390 because at lower speeds this bike rides well. Overall iska ride quality is towards the stiffer side. Iske alawa iska seat ka jo height hai wo for few of them it might be an issue, but overall as the weight of this bike is less it won't be an issue at all when it comes to riding. This bike I would say is ideal for beginners aur ye ek acha package hai from Husqvarna. सर्विस के बारे में बात करते हैं तो सर्विस इज़ लुक्ड आफ्टर बाय KTM, सो इट वोंट बी एन इश्यू एट ऑल. टॉकिंग अबाउट द प्राइस, दिस बाइक इज प्राइज्ड एट 2,92,000 एक्स शोरूम दिल्ली एंड दैट्स अबाउट दिस Husqvarna SWAT Pillin 401. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस कमेंट वॉट एवर यू फील अबाउट दिस बाइक एंड दैट्स अ रैप फ्रॉम माई एंड. दिस इज़ योर होस्ट जय कुमार साइनिंग ऑफ.